जय हिंद। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं थर्मल इंजीनियरिंग। इस वीडियो को अंत तक देखें। थर्मल इंजीनियरिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, खासकर मैकेनिकल वालों के लिए। ठीक है, पीछे का वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा, जितना वीडियो है वहां से आप जाकर के देख लेंगे। ठीक है, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। पिछले वीडियो में हमने आपको ऊष्मागतिकी के वर्गीकरण के बारे में बता दिया था। ऊष्मागतिकी को दो वर्गों में वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, पहला हमारा क्या है, पहला हमारा द्रव्यमान के आधार, द्रव्यमान स्थानांतरण के आधार पर। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा पदार्थ की अवस्था के आधार पर। ठीक है, तो यह बांटा गया तीन वर्गों में। पहला हमारा क्या है, ओपन सिस्टम। दूसरा हमारा क्या है, क्लोज सिस्टम। तीसरा हमारा क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम में हमारा क्या होता है, खुला निकाय। खुला निकाय वह निकाय होता है जिसमें ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों अंदर बाहर हो सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम। जैसे हमारे एग्जांपल क्या हो गया, कप प्याली हो गया। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, क्लोज सिस्टम। निकाय वह निकाय होता है जिसमें ऊर्जा अंदर बाहर हो सकती है, ना तो द्रव्यमान अंदर बाहर नहीं हो सकती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्लोज सिस्टम कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, क्लोज सिस्टम। और तीसरा हमारा क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। तीसरा हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, विद्युत निकाय। विद्युत निकाय वह निकाय होता है जिसमें न तो ऊर्जा न तो द्रव्यमान अंदर बाहर नहीं हो सकती है, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, विद्युत निकाय। विद्युत निकाय जैसे हमारा क्या हो गया, विद्युत निकाय हमारा पूरा ब्रह्मांड हो गया। ठीक है, और हमारा क्या हो गया, थर्मस हो गया। पूर्ण रूप से कोई हमारा क्या होता है, पूर्ण रूप से हमारा कोई भी विद्युत निकाय नहीं है, लेकिन विद्युत निकाय के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अब देखिए हमारा किसमें, पदार्थ की अवस्था के आधार पर। पदार्थ की अवस्था के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है, पदार्थ की अवस्था के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। दो वर्गों में बांटा गया है, पहला हमारा क्या है, समांग ऊष्मागतिकी निकाय। दूसरा हमारा क्या है, विषमांग ऊष्मागतिकी निकाय। ठीक है, तो देखिए विषमांग और समांग ऊष्मागतिकी निकाय क्या होता है, समांग ऊष्मागतिकी निकाय होता है, देखिए वह ऊष्मागतिकी निकाय जिसमें द्रव्याकारकारी पदार्थ एक ही अवस्था में उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समांग ऊष्मागतिकी निकाय कहते हैं। पर पुनः देखिए, समांग ऊष्मागतिकी निकाय वह ऊष्मागतिकी निकाय जिसमें द्रव्याकारकारी पदार्थ मात्र एक ही अवस्था में उपस्थित होते हैं, क्या एक ही अवस्था में उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समांग ऊष्मागतिकी निकाय। और विषमांग क्या होता है, वह ऊष्मागतिकी निकाय जिसमें द्रव्याकारकारी पदार्थ एक से अधिक अवस्था में उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विषमांग ऊष्मागतिकी निकाय। देखिए समांग ऊष्मागतिकी निकाय क्या होता है, इसका एग्जांपल देखिए। समांग ऊष्मागतिकी निकाय का एग्जांपल हमारे क्या आ गया, वायु हो गया, शुष्क वायु, शुष्क वाष्प का मिश्रण हो गया। पहला क्या है, क्या शुष्क वाष्प का मिश्रण। ठीक, और इसमें हमारा क्या हो गया, विषमांग ऊष्मागतिकी निकाय में, विषमांग ऊष्मागतिकी निकाय में हमारा हो गया क्या, जल हो गया। ठीक है, बर्फ का मिश्रण हो गया। ठीक, ये हमारा हो गया, समांग में क्या हो गया, वायु और शुष्क वाष्प का मिश्रण हो गया। ठीक है, विषमांग में हमारा क्या हो गया, जल और बर्फ का मिश्रण हो गया। ठीक है, टॉपिक हमारा है ऊष्मागतिकी निकाय का गुण। ठीक है, ऊष्मागतिकी निकाय का गुण क्या होता है, देखिए इसका परिभाषा। ऊष्मागतिकी के गुण विभिन्न प्रकार के होते हैं, क्या ऊष्मागतिकी के गुण विभिन्न प्रकार के होते हैं, जो किसी निकाय की अवस्था के बारे में जानकारी देते हैं। किसके बारे में जानकारी देते हैं, किसी निकाय की अवस्था के बारे में जानकारी देते हैं। कोई भी सिस्टम हुआ उसकी अवस्था के बारे में जानकारी देता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकी निकाय का गुण कहते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, इसका उदाहरण दाब, ताप, आयतन। क्या हो गया, दाब, ताप, आयतन और क्या हो गया, एंथैल्पी हो गया। अब देखिए गुणधर्म का वर्गीकरण, इस गुणधर्म को कितने वर्गों में वर्गीकरण किया गया, देखिए इस गुणधर्म को दो वर्गों में वर्गीकरण किया गया है। पहला हमारा क्या है, मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म। दूसरा हमारा क्या है, मात्रा सापेक्ष गुणधर्म। जिसे मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म को हम क्या कहते हैं, मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म को हम इंटेंसिव कहते हैं, और सापेक्ष को हम क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव कहते हैं। मात्रा निरपेक्ष गुण क्या हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमारा हो गया, यह किसी निकाय के वे गुणधर्म होते हैं जिनका मान निकाय के पदार्थ के द्रव्यमान पर क्या करता है, निर्भर नहीं करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं।
देखिए पुनः परिभाषा हमारे देख लीजिए, यह किसी निकाय के वे गुणधर्म होते हैं जिनका मान निकाय के पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे हमारे इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल हमारा होगा दाब हो गया, ताप हो गया, ठीक है, घनत्व हो गया। दाब, ताप, घनत्व, ठीक। अब एक्सटेंसिव देखिए, एक्सटेंसिव क्या होता है, एक्सटेंसिव हमारा हो गया यह किसी निकाय के वे गुणधर्म होते हैं, क्या यह किसी निकाय के वे गुणधर्म होते हैं जिनका मान निकाय के पदार्थ के द्रव्यमान पर क्या करता है, निर्भर करता है। यदि निर्भर करेगा तो हमारा क्या होगा, एक्सटेंसिव होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमारा किस किस पर फॉलो करता है, देखिए आयतन हो गया हमारा, और किस पे फॉलो करेगा, ऊर्जा हो गया, ऊर्जा द्रव्यमान भार पर हो गया, ठीक है, ऊर्जा यहाँ पे हमारा हो गया, और किस पे फॉलो करेगा, द्रव्यमान पर फॉलो करेगा, और किस पे फॉलो करेगा, भार पे फॉलो करेगा, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, इंटेंसिव क्या हो गया, यदि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है तो हमारा क्या होगा, इंटेंसिव होगा, यदि द्रव्यमान पर निर्भर करता है तो हमारा क्या होगा, एक्सटेंसिव होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। अब देखिए, तो चलिए देखिए हीट क्या होता है, हीट हमारा होता है ऊर्जा का वह रूप जो तापमान के अंदर के कारण, क्या, जो तापमान के अंदर के कारण प्रवाहित होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हीट या उष्मा कहते हैं। ऊर्जा का वह रूप जो तापमान के अंदर के कारण प्रवाहित होता है उसे हम क्या कहते हैं, उष्मा कहते हैं। अब देखिए टेम्परेचर, तापमान क्या होता है, टेम्परेचर कोई पदार्थ कितना गर्म या कितना ठंडा है वो हमें किस क्या बताता है, वो हमें तापमान बताता है, ठीक। एक बार पुनः देखिए, कोई पदार्थ कितना गर्म या ठंडा है वो हमें क्या बताता है, टेम्परेचर या तापमान बताता है। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक क्या है, दाब। दाब क्या है, इकाई क्षेत्र पर लगने वाला बल हमारा क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। इकाई क्षेत्र पर लगने वाला बल हमारा क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। अब देखिए सिस्टम क्या होता है, सिस्टम निकाय या तंत्र, पूरे ब्रह्मांड का वह हिस्सा जिसका अध्ययन हम कर रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, निकाय या सिस्टम तंत्र कहते हैं, ठीक है। देखिए एक बार और, पूरे ब्रह्मांड का वह हिस्सा जिसका अध्ययन हम कर रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम निकाय या तंत्र कहते हैं। सराउंडिंग वातावरण क्या होता है, निकाय के अलावा ब्रह्मांड का पूरा भाग जो होता है हमारा क्या, पूरा भाग जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, वातावरण, क्या कहते हैं, सराउंडिंग कहते हैं। निकाय के अलावा ब्रह्मांड का पूरा भार जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, वातावरण या वातावरण सराउंडिंग कहते हैं। एग्जाम्पल हमारा देखिए, यदि कप में रखी हुई क्या, यदि कप में रखा हुआ चाय जो हमारा है वह सिस्टम है, निकाय है, तो हमारा चाय के अलावा सब जो वातावरण है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सराउंडिंग या वातावरण कहेंगे। एक बार और देखिए एग्जाम्पल इसका, यदि कप में चाय रखी है, ठीक है, कप में यदि चाय रखा है, ठीक है, तो चाय हमारा क्या है, सिस्टम है, मतलब तंत्र होता है। तो चाय के अलावा जितना सब बाहर का सब है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम वातावरण कहेंगे, सराउंडिंग कहेंगे, ठीक है। अब देखिए सिस्टम बाउंड्री क्या होता है, सिस्टम बाउंड्री सीमा निकाय क्या होता है, निकाय और वातावरण को अलग करने वाली सीमा, ठीक है, निकाय और वातावरण को अलग करने वाली सीमा को हम क्या कहेंगे, निकाय की सीमा कहेंगे, ठीक है। निकाय की सीमा क्या होता है, सिस्टम और बाउंड्री का, इसका एक नोट्स लिख लीजिएगा आप, नोट्स में लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिस्टम बाउंड्री चलित एवं स्थिर दोनों हो सकता है, क्या, सिस्टम बाउंड्री जो होता है हमारा चलित एवं स्थिर दोनों हो सकता है, सिस्टम और बाउंड्री,